हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक चिली कप्सा राइस चाइनीज स्टाइल में। आप रेस्टोरेंट में जब कप्सा राइस मंगाते हो तो आपको ऐसे ही टाइप के राइस सर्व किया जाता है, तो आज हम उसे जानेंगे कि उसे कैसे बनाते, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने लिए 1.5 कप चाइनीज चावल, या बासमती भी ले सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी चावल के साथ। पानी हमें ज़्यादा लेना है और क्योंकि हमें इसे निथारना है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर नमक और तेल 1 टेबलस्पून, ताकि चावल आपस में चिपके ना। अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से इसे उबलने देंगे जब तक हमारे चावल 80% पक नहीं जाते। ये देखिए, बीच बीच में हमें चेक करते रहना है ताकि चावल चिपके भी नहीं और गेदा ना हो जाए। तो ये देखिए, मुझे लग रहा था मेरे चावल हो गए, तो मैंने एक चावल को निकाल कर उसे तोड़ के देखी, दबा कर देखी, तो फिर हमारे चावल हो चुके थे। अब हम बाकी बचा हुआ पानी निकाल देंगे, इसे निथार देंगे अच्छे से। अब छन्नी की मदद से छानिए, ये देखिए अच्छे से निथार देना है। और ज़्यादातर हम इसे क्या करते हैं, फैला देते ताकि हमारे चावल एकदम छुट्टे हो जाए। आप न्यूज़पेपर या आप टेबल मैट पे इसे फैला दीजिए फैन के नीचे, ये देखिए, ताकि हमारा पूरा पानी सूख जाए। फिर चले हमारा राइस बनाते हैं। तो उसके लिए हम हमारे पैन में लेंगे 3 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून तेल। इसमें डालेंगे हम 2 तेज़पत्ते और अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। मिर्ची का इस्तेमाल हमें इसमें कम करना है। इसे अच्छे से हम भून लेंगे, जैसे कि ये चाइनीज़ है तो इसमें हमें चाइनीज़ और इंडियन का फ्लेवर दोनों मिलाना है। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू, क्योंकि ये कप्सा राइस है तो काजू तो ज़रूर चाहिए हमें। अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्मॉल शिमला मिर्च, लंबी लंबी काट कर डालेंगे हम इसको, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें 2 अंडे और अच्छे से अंडे को हम स्क्रैम्बल कर देंगे। अच्छे से जब अंडे हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे हमारे चावल। ये देखिए कितने छुट्टे चावल हो गए थे हमारे फैन के नीचे रखने से। इसे मैंने आधा घंटा फैन के नीचे रखी थी। फिर ये देखिए, चावल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो चलिए, अब हमारी सॉसेस डालने की बारी आ गई। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून भरकर ये ग्रीन चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, और 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले जो है वाइट पेपर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून शक्कर, अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, लो फ्लेम पर ही रखना है ताकि हमारे सॉसेज और हमारे चावल ना जले। ये देखिए, इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब ये जो स्टेप है ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने डाली हुई 1 टीस्पून अजीनोमोटो, मैंने ये डाली थी इसलिए मैंने नमक नहीं ऐड की थी। अगर आप इसे नहीं ऐड कर रहे हो तो आप नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारा कप्सा राइस चाइनीज स्टाइल में एकदम बनकर रेडी है गाइस। तो चलिए अब हमारे चिकन की तरफ तैयारी करते हैं। तो चिकन में हम सबसे पहले डालेंगे विनेगर। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन ली हूँ बोनलेस, और 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 अंडा डालेंगे हम इसमें, और 1 टीस्पून वाइट पेपर, और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, और या 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाली हूँ, कॉर्न स्टार्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसे रख दीजिए। फिर यहाँ पे हमने ग्रेवी के लिए लिए है 3 से 4 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। इसे हमने गर्म पानी में भिगा के रखा था, ये तेज़ नहीं थी। हम इसमें डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और मिक्सर में एकदम बारीक पीस देंगे। अब हमारे चिकन फ्राई करने के बारे आ गए। तो चिकन को हम फ्राई करेंगे मीडियम से लो फ्लेम पर, ताकि चिकन हमारे अच्छे से पक जाए। अच्छे से चिकन पक जाएंगे तो फिर उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई करके चिकन को बाहर से थोड़ा क्रंची कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे चिकन हो गए थे तो अब हम इसे निकाल देंगे छन्नी की मदद से। अब जो तेल था हमें उसे कम करके उतना ही तेल रखना है जितना हमें ज़रूरत है हमारा ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तेल में डाली हूँ 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन बारीक काट के, और 2 सूखी लाल मिर्च। ये देखिए, इसे अच्छे से भून लेंगे हम। जैसे कि ये गार्लिक चिकन है तो इसमें हमें गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची का पेस्ट जो हमने तैयार किया था, लाल मिर्ची और लहसुन का, और इसे हमें डाल के अच्छे से इसे भून लेना है क्योंकि हमारा गार्लिक कच्चा है।
से 7 मिनट आप इसे पकाते रहिए हाई फ्लेम पे ऐसा चम्मच चलाते हुए, जब तक का हमारा पूरा कम नहीं हो जाता। ये देखिए तेल पूरा अलग हो गया और ये भी पूरा सूख गया है। तब हमारा ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो हम इसमें डालेंगे हमारा सॉस जो कि है 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर और वाइट पेपर, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून। सॉस के मेजरमेंट स्क्रीन पर लिखे हुए, अगर आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से भून लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बबल्स क्यों आ रहे हैं, तो ये जो कि हमने अंडे वाला तेल ही यूज़ किया, इसके वजह से हमारे इसमें बबल्स आ रहे हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है उसकी। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर हमारे चिकन डाल देंगे हम इसमें। अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज और शिमला मिर्च, जिसे दोनों को मैंने पेटल्स की शेप में काट के रखी थी, और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भर कर पानी और अच्छे से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। देखिएगा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजीनोमोटो, ये ऑप्शनल है, आप इसे अच्छे से स्किप कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए डाली क्योंकि इससे टेस्ट और एनहेंस हो जाता है और एकदम मस्त आता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नस्टार्च की स्लरी जो पानी में मैंने घोल कर डाली थी मैंने। तो ये देखिएगा बढ़िया सा हमारा चिली गार्लिक भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। तो चलिए देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से रख सकते थे, क्या और पतली करना है तो आप और पानी डाल सकते हैं, मुझे इतनी ही चाहिए थी। चलिए अब हम इसे सर्व करते, तो यहाँ पे हम साइड में डालेंगे हमारे राइस, हमारे कब्सा राइस, चाइनीज़ कब्सा राइस। ये देखिए कैसे राउंड में मैंने हमारे राइस को डाली। अब हम बीच में हमें डालेंगे हमारी सेमी ड्राई ग्रेवी, चिली गार्लिक ग्रेवी, बहुत डिलीशियस थी। तो ये देखिए फाइनली मैंने इसे टमेटो से, टमाटर से आजू बाजू ऐसा डेकोरेट किया है। आप चाहे तो ककड़ी और गाजर से भी कर सकते हैं। तो मोस्टली रेस्टोरेंट और ढाबे पे हम जब जाते हैं तो हमें ऐसे ही टाइप का कब्सा राइस मिलता है, चाइनीज़ कब्सा राइस, जो बहुत ही डिलीशियस बना था। वीडियोज़ पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।